अभी खबर यह है कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी की दरखास्त जमानत मंजूर। हाईकोर्ट ने एफिड्रेन केस में जमानत मंजूर कर ली है। मुस्लिम लीग नून के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। हाईकोर्ट ने एफिड्रेन केस में जमानत मंजूर की है। हनीफ अब्बासी इससे पहले बीमार भी हुए, जिनको जो है अस्पताल में मुंतकिल किया गया। वो इस वक्त अपनी जो है कैद में हैं और कैद काटते हुए उन्होंने जमानत के लिए जो है लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया था, तो आज उनकी एफिड्रेन केस में जमानत मंजूर कर ली गई है। आपको अपडेट कर दें, उम्र कैद की सजा काटने वाले हनीफ अब्बासी की जमानत आज मंजूर कर ली गई है। एफिड्रेन केस में जमानत मंजूर होने के बाद मुस्लिम लीग नून के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी की दरखास्त जमानत जो है वो लाहौर हाईकोर्ट से इस वक्त मंजूर हो चुकी है। एफिड्रेन केस में सजा याफ्ता हनीफ अब्बासी जो कि सजा याफ्ता हैं और सजा काट रहे थे, आज उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है। उमर शाकिर से बात करेंगे। उमर बताइएगा, जमानत मंजूर की गई है हनीफ अब्बासी की? लाहौर हाईकोर्ट ने मुस्लिम लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी की सजा मुअत्तल कर दी है। अदालत ने जमानत मंजूर हनीफ अब्बासी को रिहा करने का हुक्म दिया है। लाहौर हाईकोर्ट की नियम की सुनवाई में दो बेंच ने फैसला सुनाया है। दरख्वास्त गुजार हनीफ अब्बासी ने अदालत के वकील ने अदालत को बताया कि इंसदाद मंशियात अदालत ने फैसले में अहम कसूरी नकात को नजरअंदाज किया। ताहम इंसदाद मंशियात अदालत की जानिब से उम्र कैद का फैसला गैर आइनी और गैर कानूनी है। अदालत ने प्ली कैन के दलाइल मुकम्मल होने पर आज हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है और उन्हें रिहा करने के अहकाम जारी किए हैं। जी, इस हवाले से हमें उमर शाकिर ये भी बताइएगा कि जमानत जो है वो मंजूर तो हो गई है, अब रिहाई कब तक मुमकिन होगी? जी बिल्कुल, हनीफ अब्बासी को मातहत अदालत ने एफिड्रेन केस में उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसे उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। आज लाहौर हाईकोर्ट के दो रुकनी बेंच ने इस मुकदमे में समाप्त की और अदालत को आगाह किया गया कि हनीफ अब्बासी जो है उन पर एफिड्रेन का इल्जाम जो है वो गैर आइनी और गैर कानूनी है। ताहम अदालत जो है वो हनीफ अब्बासी की जो सजा है उसको मुअत्तल करे और उन्हें उनको जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे। आज अदालत ने उनकी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है, उन्हें रिहाई के अहकाम जारी किए हैं। अब हनीफ अब्बासी लाहौर हाईकोर्ट में जो है वो अपने जमानती मुचलके जमा करवाएंगे, जिसके बाद चंद रोज में हनीफ अब्बासी जो है वो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। जी, हनीफ अब्बासी के लिए ये अच्छी खबर सामने आई है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। हाईकोर्ट ने एफिड्रेन केस में जमानत मंजूर की और दो रुकनी बेंच था जिसने इस अहम केस की समाअत की।